दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोनॉमी के UPAPU एग्जाम के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है? तो भूटान जो देश है इसने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना है, जबकि और देश हैं जो GDP को मानते हैं। तो भूटान है, ये न्यूज़ में है अभी, और भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार अभी भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया, तो क्वेश्चन आ सकता है। तो किस देश ने सकल राष्ट्रीय सुख को प्रगति का सूचक चुना? भूटान ने, और भूटान भारत का पड़ोसी देश है, और जो भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। और भी जो पुरस्कार दिए जाते हैं दूसरे देशों से वो आप पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, Basel III मानकों का संबंध किस क्षेत्र से है? ये काफ़ी न्यूज़ में रहता है, इसे इंग्लिश में कहते हैं Basel III norms। सो Basel III norms इज रिलेटेड टू, इस टाइप से आपसे क्वेश्चन आ सकता है। तो Basel III norms रिलेटेड है बैंकिंग क्षेत्र से Basel III मानकों का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है आयात और निर्यात बंद। तो अभी ग्लोबलाइजेशन के इस युग में शायद ही ये कोई देश होगा बंद अर्थव्यवस्था वाला, बाकी जनरली नॉर्थ कोरिया वगैरह इनको अपन मान सकते हैं। तो बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? आयात निर्यात बंद। आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट और निर्यात का मतलब होता है एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है, या जो राष्ट्रीय आय यानी नेशनल इनकम है इसकी गणना की जाती है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो CSO द्वारा, CSO का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल स्टेटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में से कहते हैं दोस्तों केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा जो लक्षण है वो भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? तो पहला है श्रम की न्यून कार्य क्षमता, तो ये अपने यहाँ है, प्रति व्यक्ति कम आय है, पूंजी निर्माण की न्यून दर है, जबकि प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, अपने यहाँ पर्याप्त प्राकृतिक संसाधन है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सा लक्षण है जो भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? ये तीन लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था में है, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, प्राकृतिक संसाधन भारत में पर्याप्त हैं। नेक्स्ट है, मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को किसने विकसित किया? मानव विकास सूचकांक को जो विकसित किया था महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक की संकल्पना को विकसित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? दोस्तों इसे कहते हैं इंग्लिश में मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, यानी जो प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर है तो को एक्सिस्टेंस। तो दोनों, इसमें जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है जैसे भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का भी रोल है और आपका निजी क्षेत्र का भी रोल है, पब्लिक भी और प्राइवेट भी। नेक्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ इज रिलेटेड टू, इंग्लिश में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ये GDP और नेशनल इनकम से रिलेटेड है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? दोस्तों आप गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चन देख लीजिए, UPAPU में आने की संभावना है और काफ़ी क्वेश्चन इनसे गांधी जी से आपके आ सकते हैं। तो गांधी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? ये न्यास पर आधारित है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट है, रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था गुर्नार मेडल द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है HDI, पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो इसमें कौन सा सूचकांक है, इंडेक्स है जो शामिल नहीं है? तो पहला ऑप्शन है जीवन प्रत्याशा, दूसरा है पूर्ण साक्षरता, तीसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, और चौथा है सामाजिक असमानता। तो सामाजिक असमानता है, ये आपके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है HDI में। HDI की रैंकिंग भी पूछी जा सकती है कि इंडिया का कौन सी रैंक है HDI में। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान देता है? जो इंडिया की GDP है इसमें सबसे ज़्यादा योगदान कौन से क्षेत्र का है? आ सकता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र। सो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। तो इसमें जो तृतीयक क्षेत्र है इसका सबसे ज़्यादा योगदान है भारत की GDP में, जबकि कृषि का जो योगदान है GDP में 17% के आसपास है, ये क्वेश्चन आता है। और कौन कौन सी जो प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है और तृतीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ये आप इसको पढ़ लीजिए।
नेक्स्ट है, 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, यह किसने अभिनिश्चित किया था? तो 1867 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय कितने रुपये थी 20 रुपये थी, ये दादा भाई नेहरू जी ने अभिनिश्चित किया था। दादा भाई नेहरू जी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इन्हें ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया इनकी फेमस किताब है। 1886-1893 और 1906 तो 1906 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशन था उसके प्रेसिडेंट भी रहे। तो ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी। ठीक है दोस्तों, आप चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद इसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NDC का शॉर्ट फॉर्म है। 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा लागू की गई? रोलिंग प्लान की जो अवधारणा थी वो लागू की गई थी जनता सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है पूछ सकते हैं आपसे ये क्वेश्चन। तो ये आपका समवर्ती सूची में आता है, यानी कनकरेंट लिस्ट में। आपको बताना है कनकरेंट लिस्ट में कितनी इंट्रीज हैं कनकरेंट लिस्ट में, आपको ये बताना है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट, 3 लिस्ट होती हैं। 7 शेड्यूल आप पढ़िए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, देखिए एग्जाम में आ सकता है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कब लागू हुई? मनरेगा योजना कब लागू हुई? राइट टू एजुकेशन कब आया? या नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब आया? तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इनके लिए प्रिपेयर रहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ कब हुआ? अप्रैल 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ हुआ। योजना से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आ सकते हैं UPAPU एग्जाम में। नेक्स्ट है, मिड डे मील योजना कब प्रारंभ हुई? मिड डे मील योजना हुई थी 1995 में मिड डे मील योजना प्रारंभ हुई थी। और आपको बताना है पोषण अभियान किससे रिलेटेड है। नेक्स्ट, भारत में प्राथमिक नहीं हुआ, यहाँ पर हुआ है प्रच्छन्न। भारत में प्रच्छन्न क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है, तो भारत में जो प्रच्छन्न क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है वो पाई जाती है कृषि क्षेत्र में बेरोजगारी पाई जाती है। और कृषि में जो 1 वर्ष में 6,000 रुपये दिए जाते हैं, ये योजना आपसे पूछी जा सकती है। और कृषि की आय दुगुनी कब तक करने का लक्ष्य था किसानों की, ये क्वेश्चन आ सकता है आपसे। और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से क्वेश्चन आ सकता है। 3-4 क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके अलावा गेहूं अभी न्यूज़ में है, तो कौन सा देश गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लागू किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है, 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को नोबेल पुरस्कार कब मिला अर्थशास्त्र के क्षेत्र में? तो ये क्वेश्चन बनता था पहले के एग्जामों में कि अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी कौन हैं, इन्हें किस क्षेत्र में नोबेल मिला। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा, अब इन्हें कब मिला ये आएगा। अमर्त्य सेन 1998 में इन्हें नोबेल मिला। इनकी काफ़ी किताबें एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो अमर्त्य सेन की रिलेटेड जो बुक हैं आपके APU में आ सकती हैं। और अभिजीत बनर्जी को मिला था 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल। और 2021 में अर्थशास्त्र का नोबेल किसे मिला, आ सकता है अर्थशास्त्र और जो पीस यानी शांति का नोबेल, ये ज़्यादा पूछे जाते हैं। अभी कोरोना चल रहा था तो मेडिकल का नोबेल, जो मेडिसिन वाला भी नोबेल पूछा जा सकता है, तो आपको ये सब पढ़ना है। नेक्स्ट है, मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का मतलब होता है मॉनेटरी पॉलिसी। आप लोग सुनते होंगे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, या ब्याज दर बढ़ गई या घट गई, ये सब आपके मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। ये इसका निर्माण RBI करती है, और RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ट्रेजरी बिल, CRR, SLR, मॉनेटरी पॉलिसी, ये सब आपके RBI से रिलेटेड हैं। और RBI के डिप्टी गवर्नर कौन है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, बह दर जिस पर बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं, तो बैंक रिजर्व बैंक को जो उधार देते हैं उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। पहले आप समझ लीजिए, जब कोई बैंक रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं तो उसे कहते हैं रेपो रेट। आप लोग सुनते होंगे रेपो रेट बढ़ गए घट गए, और जब बैंक रिजर्व बैंक को उधार देते हैं तो उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कौन रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? तो इनमें से कौन है जो रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं रहा? मनमोहन सिंह जो इससे पहले प्रधानमंत्री थे वो गवर्नर रहे हैं, बिमल जालान रहे हैं, सी रंगाराजन भी रहे हैं, राजा जी चेलैया एक रिजर्व बैंक के गवर्नर नहीं रहे, तो ये आपका राइट आंसर होगा। बाकी आपके मनमोहन सिंह रहे हैं, बिमल जालान रहे हैं और सी रंगाराजन ये रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हैं। नेक्स्ट है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? तो ये होता है वित्त मंत्रालय के सचिव का।
नेक्स्ट है LIC के चेयरमैन कौन है। LIC दोस्तों न्यूज़ में है, इसके LIC ने अभी एक IPO जारी किया है, LIC ने IPO तो ये अभी न्यूज़ में है, क्वेश्चन आ सकता है कि LIC के चेयरमैन कौन है, इसकी स्थापना कब हुई या IPO का फुलफॉर्म क्या है। तो LIC के चेयरमैन है MR कुमार और IPO जारी किया है LIC ने, इसलिए न्यूज़ में है, पेटीएम ने किया था इससे पहले। नेक्स्ट है राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया, यानी द फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, इसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में FRBM एक्ट। तो ये 2003 का है ये एक्ट, आप अच्छे से पढ़ लीजिए, एक SEZ एक्ट है, आपके जो इम्पोर्टेंट एक्ट हैं जो न्यूज़ में रहते हैं ये एक्ट आप पढ़ लीजिए, इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया, ये किया गया 2003 में। नेक्स्ट है एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जिम बैंक की स्थापना हुई 1982 में, और आपको SEBI की स्थापना कब हुई, IRDA की स्थापना कब हुई जो न्यूज़ में रहते हैं, NABARD की स्थापना कब हुई, इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में हुई। नेक्स्ट है विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया, तो एक किया गया 2005 में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहेंगे इसे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भी है, तो SEZ जनरली बोलते हैं। तो विशेष आर्थिक जोन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया, 2005 में यह पारित किया गया। नेक्स्ट है WTO की स्थापना कब हुई और इसके हेड कौन है, WTO ये न्यूज़ में है, WTO है, WHO है और आपके NATO हैं, ये संगठन जो न्यूज़ में है इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। WTO, WHO है, NATO यूरोपियन यूनियन है, आपके BIMSTEC है, आपके SCO है, इनको आप अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिए। तो WTO की स्थापना कब हुई और इसके हेड कौन है, WTO की स्थापना 1995 में हुई और जेनेवा में हेडक्वार्टर है। नगोजी ओकोनजो पहली महिला अफ्रीकी मूल की हैं जो इसकी हेड बनी हैं, नाइजीरिया की हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है। और दोहा और उर्गवे राउंड, इसका संबंध किससे है क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपके WTO से संबंधित है, दोहा और उर्गवे राउंड, तो ये वार्ता हुई थी इसलिए इनसे क्वेश्चन आते हैं। और गेट, इसका संबंध आपके WTO से, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। नेक्स्ट है कौन सा देश ASEAN का सदस्य नहीं है, ASEAN, ASEAN का सदस्य देश कौन सा नहीं है, इसमें इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, मलेशिया भी है, भारत इसमें नहीं है, भारत आपका ASEAN का सदस्य देश नहीं है। तो ASEAN देश आप देख लीजिए, भारत के जो पूर्वी साइड हैं उनसे रिलेटेड है, जी वियतनाम है, कंबोडिया है, थाईलैंड है, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब आपके ASEAN में आते हैं। और आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत कि यहाँ पर मैप में ये साउथ चाइना सी है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, इनसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है, पत्र स्वर्ण का अर्थ क्या है, तो इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार, यानी स्पेशल ड्राइंग राइट्स इसे कहते हैं SDR। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का विशेष आहरण अधिकार है पत्र स्वर्ण। नेक्स्ट है मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन में कौन कौन से देश हैं, देखिए जैसी गंगा नदी है ऐसी मेकोंग एक रिवर है, और काफ़ी जैसे पूर्वी एशिया की एक मतलब प्रमुख नदियों में से एक है, तो मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन कौन कौन से देश हैं, यह क्वेश्चन है। तो इंडिया एंड 5 ASEAN कंट्रीज, भारत और 5 देश हैं मेकोंग गंगा कॉरपोरेशन में, इसमें देश हैं जैसे कंबोडिया है, लाओस है, म्यांमार है, थाईलैंड और वियतनाम। तो इसको मैप पर देखना पड़ेगा, क्वेश्चन आपके मैप पर ही जा सकते हैं कि कहाँ कौन सा देश है। देखिए तो इसमें जैसे म्यांमार है, ये लाओस है, थाईलैंड है, या वियतनाम है, कंबोडिया है, ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये बे ऑफ बंगाल है, और ये अंडमान सी है। आपको याद रखना है लाओस है, ये लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी ये किसी भी समुद्र से सीमा साझा नहीं करता, इसलिए इससे क्वेश्चन आता है। लैंडलॉक्ड कंट्री वाली वीडियो पिछली देखी थी हम लोगों ने, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे भूटान है, नेपाल है, सीमा साझा नहीं करते समुद्र से, तो इनसे क्वेश्चन आते हैं। तो लाओस है जैसे ये समुद्र से सीमा साझा नहीं करता, जबकि म्यांमार है, और म्यांमार इसलिए, म्यांमार को भारत ने एक पनडुब्बी दी थी INS सिंधुवीर, और म्यांमार इसलिए चर्चा में था यहाँ पर आंग सान सू की थी, और ये अभी जनता यहाँ जनता शासन कहते हैं इसे, और आर्मी वगैरह का रूल हो गया था म्यांमार में, इसलिए न्यूज़ में था। ये थाईलैंड है, ये कंबोडिया है, और ये वियतनाम है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना कब हुई, तो IFC इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, जबकि LIC की स्थापना भी 1956 में हुई थी। नेक्स्ट है इंडिया रैंक इन GDP बाय PPP मोड, यानी परचेसिंग पावर पैरिटी कहते हैं PPP को, और इंडिया की रैंक क्या है, बेसिक नॉर्मल में तो आपकी 5th-4th रैंक चलती है, वो चेंज होती रहती है, ये PPP मोड में इंडिया की परचेसिंग पावर पैरिटी में 3rd रैंक है GDP में, बाकी नॉर्मल GDP वाली भी क्वेश्चन उससे भी आते हैं और आपके PPP मोड में भी आते हैं, तो इसमें 3rd रैंक है। नेक्स्ट है भारत में IRDA नियमित करता है, यानी IRDA क्या नियमित करता है, देखिए जो रैंक वाले क्वेश्चन आपके आते हैं, HDI में इंडिया की कौन सी रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है HDI, और आपका जो
और FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में सबसे ज़्यादा किस देश में आ रहा है, उसमें भारत की कौन सी रैंक है, ये सब इम्पोर्टेंट रैंक वाले इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। भारत में IRDA क्या नियमित करता है, यानी IRDA क्या रेगुलेट करता है, तो ये करता है बीमा व्यवसाय, यानी जो आपका बीमा है, इंश्योरेंस सेक्टर है, तो उसको रेगुलेट कौन करता है, IRDA करता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए SEBI क्या रेगुलेट करता है और इसकी स्थापना कब हुई। तो जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है ये आप पढ़िए अच्छे से। तो भारत में IRDA नियमित करता है बीमा व्यवसाय, 1999 में इसकी स्थापना हुई थी और देवाशीष पंडा इसके हेड है। अभी शायद नए बने इसलिए क्वेश्चन आ सकता है, हैदराबाद में इसका दोस्तों हेडक्वार्टर है इसलिए और क्वेश्चन बनने की संभावना है। तो IRDA यानी इंश्योरेंस सेक्टर अभी काफ़ी न्यूज़ में है। इसकी रीज़न यह है कि इसकी FDI बढ़ाकर आप 74% कर दी है, पहले शायद 49 थी, तो इसकी 49 से 74% हो गई है FDI लिमिट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लिमिट, तो इसलिए और इससे क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है SEBI, सेबी की स्थापना कब हुई, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई 1992 में, और नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में। तो आपको पता रहना चाहिए 1982 में किसकी स्थापना हुई, 1992 में किसकी स्थापना हुई। नेक्स्ट है अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है, उसे क्या कहा जाता है। देखिए जब रिजर्व बैंक बैंकों को उधार देता है उसे कहते हैं रेपो रेट, जब रिजर्व बैंक बैंकों से उधार लेता है उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो ये आपको पता होना चाहिए रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, CRR क्या है, SLR क्या है, ये सब आपके आ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं CRR, तो CRR का फुल फॉर्म है कैश रिजर्व रेशियो, SLR का है स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR कहते हैं, और NDTL का है नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है, तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से। APU में एक आध क्वेश्चन तो आएगा, अब चाहे वो पॉलिटी वाली क्वेश्चन पूछे, पॉलिटी वाली कमेटी या जनरली बैंकिंग वाली, तो इकोनॉमी से रिलेटेड कोई कमेटी पूछे, बाकी कमेटी वाले अब क्वेश्चन काफी आने लगे हैं कि किस समिति का संबंध किससे है, ये आप पढ़ लीजिए अच्छे से। तो नरसिम्हन समिति का संबंध है बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से, आपसे GST वाली भी पूछ सकते हैं, GST वाली कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन, तो या आपसे जो गरीबी वाली कमेटी भी पूछते हैं, गरीबी रेखा से रिलेटेड जो समिति थी तो वो पूछते हैं। नरसिम्हन समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र के सुधार से है। इसके अलावा क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि अलग कमेटी का संबंध किससे है, लकड़वाला समिति का संबंध किससे है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है। नेक्स्ट है हु रिलीज होलसेल प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जारी करता है। होलसेल प्राइस इंडेक्स को कहते हैं WPI, और एक होता है CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये दोनों अभी न्यूज़ में हैं तो इनसे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसका बेस ईयर है जो 2011-12 है, और होलसेल प्राइस इंडेक्स को WPI कहते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को CPI शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। नेक्स्ट है 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं NK सिंह हैं, और आपने वित्त आयोग पढ़ा होगा संविधान में आर्टिकल 280। क्वेश्चन आ सकता है वित्त आयोग क्या है, क्या एक संवैधानिक निकाय है या क्या है, तो वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है NK सिंह, आर्टिकल 280। नेक्स्ट है भारत को इस देश ने नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर साइन किए, तो नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर साइन किए हैं भारत और फ्रांस ने, फ्रांस के इमानुएल मैक्रोन हैं और फ्रांस काफ़ी न्यूज़ में रहता है। भारत ने जो राफेल खरीदे थे वो फ्रांस से ही खरीदे थे भारत के, और डसॉल्ट एविएशन कंपनी से रिलेटेड थे वो, क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हैं, तो B. अनंत नागेश्वरन हैं जो भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं, वो कौन हैं, B. अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट है बाजार पूंजीकरण के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, ये अभी डाटा रिलीज हुआ था, क्वेश्चन आ सकता है। तो 5वीं रैंक है भारत की बाजार पूंजीकरण के मामले में। भारत का कौन सा पड़ोसी देश विदेशी मुद्रा संकट से ग्रसित है, तो भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका है, काफ़ी न्यूज़ में है, श्रीलंका के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो नए बने आप पढ़कर जाइए, श्रीलंका कहाँ पर है पता होना चाहिए, पाक स्ट्रेट कहाँ पर है पता होना चाहिए, तो वह भारत है, और ये यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है, इस साइड अरेबियन सी है, ये श्रीलंका है, और अंडमान सागर है, मालदीव नीचे को मिलेगा आपको, और जो श्रीलंका है ये काफ़ी अभी न्यूज़ में चल रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है, चेंज होता रहता है, अभी चौथा है, पहले 5वां था, तो विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान चौथा है। तो आप जब APU एग्जाम में जाइए तो थोड़ा देख कर जाइए, उस समय चीन, जापान, स्विट्जरलैंड, इंडिया, उसके बाद है रसिया, और रूस भी न्यूज़ में चल रहा है, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। रूस यूक्रेन मैटर के कारण आपको पता होना चाहिए रूस कौन कौन उत्पादन में प्रथम स्थान पर है, तो चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद इंडिया का विदेशी मुद्रा भंडार में चौथा स्थान है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इसे कहते हैं,
जीडीपी में कौन सी रैंक है, विदेशी मुद्रा भंडार, एचडीआई, और ये सब आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट है जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू हुआ था, जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। जीएसटी परिषद क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए, जीएसटी की कमेटी से रिलेटेड। तो जीएसटी सबसे पहले लागू हुआ था फ्रांस में, और 101वें संविधान संशोधन से रिलेटेड है जीएसटी। 1 जुलाई 2017 से कितने टैक्स स्लैब में दिया जाता है, ये सब आपको पता रहना चाहिए। और अब फ्रांस को देख लेते हैं मैप में, क्वेश्चन आपसे ज्योग्राफी भी आनी है आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो यहीं पर देख लेते हैं फ्रांस कहाँ पर है, आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है। ये है फ्रांस और ये है आपका भारत, और यहाँ पर ये सऊदी अरेबिया वगैरह है। इन देशों से क्वेश्चन आते हैं कि जैसे तुर्की कहाँ कहाँ सिचुएटेड है, ये कौन सा समुद्र है, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। ये कौन सा समुद्र है, जैसे मेडिटेरेनियन सी है, एक कैस्पियन सी है, यहाँ पर ये ब्लैक सी है, और यहाँ पर ये रेड सी है, यहाँ पर ये खाड़ी है, तो इनसे क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए मैप में कहाँ क्या है। और ये अफ्रीका महाद्वीप है, और यहाँ पर ये जो ये रेखा दिख रही है ये भूमध्य रेखा है, यानी 0 डिग्री इसे इक्वेटर कहते हैं। तो इन कौन कौन से देश सिचुएटेड हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, थोड़ा डिटेल में आप पढ़िए। नेक्स्ट है एक्ट विच ईयर, यानी आपसे एक्ट विच ईयर सॉरी यानी आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं कौन सा एक्ट कब आया जो न्यूज़ में है। जैसे कॉफ़ी कोसा एक्ट है ये कब आया, NFSA एक्ट कब आया, RTE एक्ट कब आया। तो कॉफ़ी कोसा एक्ट आया 1974 में, NFSA यानी नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, और राइट टू एजुकेशन आपको पता ही है 2009। तो इन एक्ट से भी आप क्वेश्चन आने लगे हैं। और आप लॉ स्टूडेंट हैं यानी आप APU एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आप कम से कम एक्ट आपको अच्छे से पता होना चाहिए कौन सा एक्ट कब का है। नेक्स्ट है कंटिजेंसी फंड इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारत के संविधान में कंटिजेंसी फंड को कहां पर बताया गया है, तो यह आर्टिकल 257। दोस्तों आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए नेक्स्ट वीडियो यानी किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें, हम साइंस से देखें, आपके करंट अफेयर्स से देखें, या आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी से देखें, या आपके पॉलिटी से देखें, और कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, हाँ, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो आपके पास आ जाएगी नोटिफिकेशन। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।